हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शालू और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप सभी भी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को पता है कि जो आजकल जो मंथ चला है वो सीजनेबल फ्रूट्स का है। तो बहुत सारे सीजनेबल फ्रूट जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, तो उन सभी फ्रूट में एक फ्रूट है चेरी। आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से चेरी को तोड़ेंगे, किस तरह से उसको पैक करेंगे। मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है और इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, लंबे प्रोसेस के बाद छोटे छोटे फ्रूट जो है वो आप तक पहुंचते हैं। होप करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मेरी आईडी का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। सो अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो चेरी का पेड़ जिस पे कुछ काम करने वाले नेपाली से वो चढ़े हैं और चेरी तोड़ रहे हैं। नीचे की दिशा रही है। अभी तो बहुत कच्ची हुई है इसमें। तेरे कौन दिखा रहा है? भर रहे हैं। चार चार बंदे चढ़े ऊपर की तरफ से, तो तोड़ के खत्म हो गए है चेरी। अब हम निचली तरफ से तोड़ रहे हैं। कैसे लग रहा है? खरगोश जैसा। क्या हुआ? बैटिंग गई नीचे। दीदी देखो डैमेज तो नहीं हुई? चल हाथ में पकड़। नहीं, ये किसने तोड़ी? अरे ये बहुत कच्ची है। ऐसे तोड़ती हूँ। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, तो मत तोड़। अब भर गई बाल्टी, आ जाओ नीचे। तो अब यहाँ पर हम ऑलमोस्ट चेरी तोड़ के ख़त्म ही हो गए हैं। और अब जो आप सामने देख रहे हो बकेट्स, ये लास्ट बकेट्स है इस पेड़ की। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पर शुरू हो चुका है चेरी भरने का प्रोसेस। और आप देख ही सकते हो किस तरह से एक एक चेरी को उसके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है।
तो यहाँ पर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन मैंने भी थोड़ी बहुत चेरी बनना सीख ली, और मैं यहाँ पर चेरी के डब्बे भर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने 5 से 7 डब्बे भरे हैं चेरी के। सो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब चेरी का डब्बा पूरा हो जाता है भर के, तो उसको किस तरह से पैक किया जाता है। तो ये हमारे सामने चेरी का डब्बा है, तो सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे एक पेपर से, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं चारों तरफ से, और उसके बाद इसको टेप से एडजस्ट करते हैं अच्छी तरह से। ये देख सकते हो आप, ये लग रही है अभी इसमें टेप, जिससे इसको अच्छी तरह से सील कर देते हैं। ये हमारा चेरी का डब्बा पूरी तरह से पैक हो गया है। अब हम इसको ऊपर की तरफ से खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, और चेरी का डब्बा हमेशा उल्टी तरफ से भरा जाता है। तो ये तो रही हमारी फार्म की फ्रेश फ्रेश डिलीशियस चेरी, जो कि एकदम बिल्कुल रेड और बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही है। तो इनको भरने का प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, बस अब इनकी ऊपर से पैकिंग होगी। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 30 डब्बे भरे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इन 30 डब्बों को भरने में। तो अब हम इन डब्बों के ऊपर अच्छे से पेपर लगाएंगे, उसके बाद करेंगे इन डब्बों को पैक। तो यहाँ पर जो है डब्बे भरने की प्रोसेसिंग वो पूरी हो चुकी है। तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर लगा रही हूँ नेम की मार्किंग। तो अपनी गुड्स पर नेम की मार्किंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो ये तो रहे हमारे चेरी के डब्बे, जो कि पूरी तरह से तैयार है मार्केट तक जाने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली गाड़ी भी आ चुकी है। बाय गोगू, बाय 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 बाय। बस बस दो ही ले जा, दो ही ले जा। चलो जी चल पड़े। बाय बाय। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद हमारी चेरिया फाइनली जा चुकी है मार्केट को, तो होप हमें अच्छे रेट मिले उसके। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।